सब्सक्राइब करें ज्योतिष एसपीएस चैनल को और बेल को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, आप सभी की ही कमेंट्स और डिमांड को मद्देनज़र रखते हुए आज ये वीडियो बनाई गई है, जहां पर आपको बना के दिखाएंगे पांच ऐसी रेखाएं, अगर वो आपके हाथ में हैं तो आपके सरकारी नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, पर वहाँ पर सिर्फ आपको बना के दिखाई थी सूर्य रेखा, जिससे आप अपनी गवर्नमेंट जॉब को पता कर सकते हैं। पर आज चार रेखाएं और हैं, तो टोटल पांच रेखाओं की प्रॉपर जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक देखते रहिएगा। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। ज़रूरी सूचना, अगर आपको कोई कमेंट्स में अपना नंबर दे रहा है कंसल्ट करने के लिए, तो कृपया ना करें, क्योंकि हमसे कंसल्ट करने का सिर्फ़ एक तरीका है और वो है इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कंसल्टेशन पेड है, चाहे तो जाकर आप हमें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले, जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की हैं तो अपने लेफ़्ट हैंड में, ये जानकारी को देखिएगा। सबसे पहले सूर्य रेखा, जिसके बारे में हमने पहले भी वीडियोस में जानकारी दी है, पर अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। जहां पर आपकी लाइफलाइन ख़त्म हो रही है और जो आपकी अनामिका उंगली है, अनामिका उंगली के नीचे बनता है सूर्य का पर्वत, अगर वो उभरा हुआ है और लाइफलाइन से रेखा निकल कर वहाँ पर जा रही है, तो दोस्तों ये सीधा सीधा संकेत है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है पहली बार में नहीं, दूसरी बार में नहीं, तो तीसरी बार में तो आपके चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। पर ये जो रेखा है दोष मुक्त होनी चाहिए, जैसे कि आपको बना के दिखाया, मतलब कि बीच में से टूटी हुई ना हो, लहरेदार ना हो। इसी के साथ दोस्तों, अगर यहाँ पर एक रेखा आपके शनि और सूर्य पर्वत के बीच में से निकल रही है और इसे काट रही है कुछ इस प्रकार, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रॉस का साइन बन रहा है, और अगर इस प्रकार से योग बन जाता है तो दोस्तों आपके चांसेस हैं कि बहुत ही जल्द आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, और वो भी बहुत कम उम्र में। तो दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की ट्राई कर रहे हैं तो इन संकेतों को ध्यान में रखते हुए अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या टेस्ट देने जा रहे हैं, तो अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखें। इसी के साथ, अगर आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी बार ट्राई किया है पर आपको मौका नहीं मिल पाया, कई बार ये सिचुएशन भी बन जाती है, तो निराश ना होएं। हो सकता है आप डिमोटिवेट हो चुके हों कि आगे ट्राई करें या ना करें, तो इसको देखने का भी एक तरीका है कि आगे आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं, कि आगे आपका स्कोप है या नहीं। तो दोस्तों, इसके लिए आप अपनी मणिबंध रेखाओं को देखिएगा कि अगर आपके हाथ में, सबसे नीचे यहाँ पर बनती है मणिबंध रेखाएं, एक रेखा हो गई, दो हो गई, इसके बाद तीन, अगर इस प्रकार से तीन मणिबंध रेखाएं लगातार बीच में से टूटी हुई ना हो, सूर्य रेखा की ही तरह दोष मुक्त तीन मणिबंध रेखाएं इस प्रकार से बनी हुई हैं, तो दोस्तों ये मणिबंध रेखाएं आपके मनोबल को बढ़ाती हैं, आपकी सहन शक्ति को बढ़ाती हैं। अगर आपने काफ़ी बार गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर लिया है, आपकी उम्र भी बढ़ रही है, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, ये रेखाएँ आपको 30 साल की उम्र तक मौके देती हैं। अगर आपने अपने आप को इतनी बार ट्राई किया है गवर्नमेंट जॉब के लिए, अभी आप थक चुके हैं, आप सोच रहे हैं कि आगे ट्राई करें या ना करें, तो इन रेखाओं को देखिए, खुद या किसी अपने दोस्त को बताना हो तो इस प्रकार से आप इन मणिबंध रेखाओं को देख के पता कर सकते हैं कि आगे आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं। 30 साल की उम्र तक बार 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 ज़रूर कोशिश करें गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले देखिए सूर्य रेखा को, जो आपकी लाइफलाइन से सूर्य पर्वत तक जा रही है, उसके बाद छोटी रेखा जो शनि और सूर्य पर्वत से निकल के क्रॉस का साइन बना रही हो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको देखनी है तीन मणिबंध रेखाएं। तो दोस्तों, ये थी पांच प्रकार की रेखाएँ, अगर इनमें से कोई भी रेखा आपके हाथ में बनी हुई है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं।
अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो इन रेखाओं के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।